तो भाई ऐसा है कि फाइनली आप सबको पता चल गया होगा कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के 2022 में विनर कौन है। लेकिन क्या एमआर फैजू रियल विनर थे? ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी सच्चाइयां, कुछ ऐसे स्कैम क्या इनके साथ हुआ है, ये गलत है कि सही है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ हम आप सबको बता दें कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये शायद पता होगा कि एमआर फैजू शो में एक बार एलिमिनेट हो चुके थे। इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों हुई है? क्योंकि ये कंटेस्टेंट, इनके में दम था भाई, स्ट्रांग कंटेस्टेंट थे, इसी वजह से इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। और उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग और जितनी भी पब्लिक से सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि ये विनर नहीं हुए, ये सही हुआ है। लेकिन मैं ये इस वजह से, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गए थे इस वजह से। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो विनर हुआ है, क्या उसको विनर होना चाहिए था कि एमआर फैजू या फिर मोहित मलिक या फिर रूबीना किसी और को होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो मिलेंगे, तो लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।